पेरिस शहर 2024 ओलंपिक खेलों की होस्ट करने वाला है, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले हैं। ओलंपिक खेलों के इस एडिशन में ब्रेकिंग या ब्रेक डांसिंग को ऑफिशियली ओलंपिक खेल के रूप में पेश किया जाएगा। 2021 में आयोजित पिछले टोक्यो खेलों में सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को पहली बार शामिल किया गया था। भविष्य को देखते हुए भारत ने अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक की होस्टिंग करने की इच्छा व्यक्त की है। खेल मंत्रालय से योगा, T20 क्रिकेट, कबड्डी, चेस, स्क्वाश एंड खो खो जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करने का प्रस्ताव करने की उम्मीद है। ये खेल वैश्विक मंच पर भारत की विविध खेल संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक खेल बनने के लिए क्या मानदंड हैं? दरअसल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक का सारा मैनेजमेंट देखती है। अन्य बातों के अलावा यह स्पोर्ट्स के हर एडिशन के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम तय करती है। यह इसके एनुअल सेशंस में किया जाता है। खेलों के संबंधित एडिशन के होस्ट सिटी का इलेक्शन करने वाले सत्र के पहले किया जाता है। ओलंपिक खेल होने के मानदंड यानी क्राइटेरिया इस प्रकार हैं। खेल उन खेलों में से होना चाहिए जिन्हें ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल फेडरेशंस द्वारा शासित किया जाता है। इसे ओलंपिक चार्टर का पालन करना होगा, जो नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह है जो ओलंपिक खेलों के संचालन और संगठन को निर्देशित करता है। इसे विश्व डोपिंग रोधी संहिता का पालन करना होगा, जो एक एकीकृत दस्तावेज है जो सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नीतियों, नियमों और विनियमों को मानकीकृत करता है, तथा इसे प्रतियोगिता में छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए ओलंपिक मूवमेंट कोड का पालन करना होगा, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के विरुद्ध खेल की अखंडता की रक्षा करना है। पात्र खेलों का चयन कैसे किया जाता है? चूँकि दिसंबर 2014 में ओलंपिक एजेंडा 2020 की शुरुआत के बाद ओलंपिक खेलों के लिए खेलों के चयन के तरीके में बदलाव हुए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने खेलों के स्पेशल एडिशन के लिए आयोजन समिति को और अधिक खेलों को शामिल करने का सुझाव देने की अनुमति दी। इस बदलाव का उद्देश्य ओलंपिक को दर्शकों के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाना था, साथ ही प्रतिभागियों की संख्या, खर्च और जटिलता को नियंत्रित करना था। क्या मेज़बान देश की कोई भूमिका है? हाँ, IOC द्वारा खेलों के लिए स्थल का चयन करने के बाद शहर और मेज़बान देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक आयोजन समिति का गठन करती है। इस समिति के माध्यम से ही मेज़बान देश खेलों के उस विशिष्ट आयोजन में नए खेलों को शामिल करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए टोक्यो 2020 आयोजन समिति ने 5 नए खेलों सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और बेसबॉल सॉफ्टबॉल का प्रस्ताव रखा और इन्हें शुरू करने में भी सफल रही। पेरिस आयोजन समिति के कहने पर इस साल सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी शामिल होंगे।